एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी 12 बजने वाले हैं और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज छोटी दिवाली है, आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मैं जो है मेडिसिन लूँगी और उसके बाद आज दिन में मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कल दिवाली है और मैंने घर की कोई सफाई नहीं की है अब तक। तो आज मुझे थोड़ा थोड़ा सफाई करनी है, मतलब जितना हो सकता है उतना करूँगी। हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, हस्बैंड के सिर्फ टुमारो दिवाली के दिन ही छुट्टी है। तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है दिवाली का दूसरा दिन, छोटी दिवाली, और हमारे कल्चर में आज डॉग फेस्टिवल मनाते हैं, कुक्कुर तिहार। तो इस दिन हम लोग डॉग और ह्यूमन के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हैं और डॉग्स को टीका लगाते हैं, माला लगाते हैं, अच्छा खाना देते हैं। तो मैंने लियो को टीका लगा दिया। गाइस, आज छोटी दिवाली का दिन है और आज हमारे नेपाली हिंदूज में कुक्कुर तिहार मानते हैं, डॉग फेस्टिवल। इसमें हम डॉग्स को टीका लगाते हैं, माला लगाते हैं और डॉग्स को थैंक करते हैं कि वो हमारे साथ इतने लॉयल है। तो नेपाली घरों में, नेपाली हिंदूज के घरों में हर साल ये मनाया जाता है। बट इस बार मैंने लियो को सिर्फ टीका लगाया, माला नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट ईयर माला लगाया था, लगाने के 2 मिनट बाद ही इसने पूरा निकाल दिया था, बहुत बदमाश है। तो इसको सिर्फ टीका लगा दिया, स्वीट दिया, वो भी नहीं खाया। तो अभी जो है मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे दूसरे काम भी करने हैं क्योंकि आज में बहुत काम है मेरे पास। अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन और कुमार नहीं आएगा लंच के लिए क्योंकि वीकेंड्स को उसका फुल टाइम क्लास रहता है, तो घर नहीं आ सकता, बाहर ही खाता है। तो मैं भी सिंपल वेज राइस बनाऊंगी, प्याज टमाटर चिल्ली की सब्ज़ी बनाऊंगी और लंच कर बनाते बनाते मैं यहाँ पे बनाना खा रही हूँ। और मेरा लंच बन गया है, मैंने राइस सब्ज़ी बनाई हुई है और ये स्वीट्स मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि स्वीट्स काफ़ी हो गए और सिर्फ 2 ही लोग हैं और कुमार को इतना पसंद भी नहीं है स्वीट्स, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ और मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो जो भी मेरे स्किन केयर के या फिर बॉडी लोशन कुछ भी सामान है मैं इसी टेबल में रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करने के बाद इन सब को मैं यहाँ पे फिर से अरेंज कर लूँगी। तो गाइज, मेरा घर जैसा है, मेरा लाइफस्टाइल जैसा है, मैं वैसा ही दिखाती हूँ व्लॉग में। आई होप आप लोग जज नहीं करोगे, मेरे घर कभी कभी बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाता है बिकॉज मैं एक पेशेंट हूँ और मेरे घर पर सिर्फ हस्बैंड और मैं ही रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है घर को साफ रखना, तो कभी कभी इतना साफ नहीं होता है और मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जज मत करना। और उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग कर लिया है और अभी ये जो हॉल वाला रूम है उसकी हालत ऐसी है, बहुत हालत ख़राब है, तो मैं इसमें जो है झाड़ू पोछा करके इसको क्लीन करूँगी। और ये मैंने उठा लिया है झाड़ू और अब मैं लग गई हूँ काम में। और मैं अपने पैर से, मैं तो मैं सोच रही हूँ कि आज पैर दर्द ज़्यादा ना करे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मुझे पैर दर्द का प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद मैं अच्छे से पोछा कर रही हूँ। तो आप लोग मुझसे बोलते भी हो कि दीदी आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, घर पर इतना ज़्यादा काम मत करो, बट आप लोग टेंशन मत लो, मेरे से जितना होता है, मेरी बॉडी जितना भी मुझे सपोर्ट करती है मैं उतना ही करती हूँ। और कुमार भी मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि अभी हाउस हेल्प रख लेते हैं जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर का थोड़ा सा काम भी अगर हाउस हेल्प करेगी तो मैं करूँगी क्या, क्योंकि मैं दिन भर फ्री रहूँगी और जब इंसान दिन भर फ्री रहता है ना तो फिर बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं और उसी टाइम फिर लो फील होने लगता है। तो जब मैं छोटे मोटे काम करती हूँ तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ अभी मेरे पास एनर्जी है, अभी मैं कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और बात करते करते मेरी सफाई ख़त्म हो गई और ये मुझे बेड के नीचे से मिला है सफाई करते टाइम, और मेरी फ्लोर क्लीन हो गया है अच्छे से, डस्टिंग हो गया है रूम में, झाड़ू पोछा भी हो गया है। अभी 2:30 हो गया है, अब मैं जल्दी से लंच करूंगी और लंच के बाद मुझे इवनिंग के टाइम बालकनी में भी क्लीन करना है क्योंकि अभी मेरे को कंटिन्यूअसली क्लीनिंग करने का मन कर रहा है लेकिन बीच में एनर्जी भी चाहिए, लंच का भी टाइम हो गया है, तो जल्दी से लंच कर लेती हूँ। तो राइस और सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बना ली थी, अभी मैं गरम गरम ऑमलेट बना रही हूँ और मैं लंच कर लेती हूँ। तो आज मैं लंच में खा रही हूँ कर्ड राइस, थोड़ी सी सब्ज़ी और ऑमलेट, लंच करके मिलती हूँ। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं लंच करके यहाँ पे बैठी हूँ, ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स हो गया मुझे यहाँ पे बैठे और यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही हल्की सी धूप आई है, तो वो धूप डायरेक्टली मेरे बैक में पड़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि बैक थोड़ा सा स्टिफनेस है बैक में, तो ये धूप आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने के, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पर वेदर भी थोड़ा सा डल है, बारिश हो रही है डेली, तो धूप नहीं आ रही थी, तो हल्की सी धूप आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ से उठ जाती हूँ और मुझे बालकनी क्लीन करना है, उसके बाद मुझे नहाना भी है। और जब घर क्लीन किया तब लियो को बाहर ही रखा था तो ये अभी तक बाहर ही है,
कितना क्यूट लग रहे हो। और आज लियो का डॉग फेस्टिवल है, लेकिन मम्मी ने गलती से आंखों के यहाँ पे भी लगा दिया है टीका, तो इसको अभी पापा को हटाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारे रूम के आगे छोटा सा स्पेस है। सबसे पहले तो ये शू रैक को हटाना है यहाँ से, और ये प्लांट्स मैंने पानी देने के लिए बाहर ले गई थी कल, तो इसके लीव्स जो है थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और सारे प्लांट्स को निकाल रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ ऊपर से तो थोड़े थोड़े मिट्टी नीचे गिरते रहते हैं, तो काफ़ी मिट्टी गिरा हुआ है नीचे, तो सब प्लांट्स को निकालूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के ये मिट्टी को क्लीन करूँगी। और ये हमारा सेपरेट बालकनी नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा क्लीन नहीं रहता है, क्योंकि ये सेपरेट बालकनी नहीं है, रूम के आगे थोड़ा सा स्पेस है, तो नीचे वाले लोग भी इसी से मतलब ऊपर छत पे जाते हैं, ये वाले छत पे जाते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे चलते हैं। और ऊपर से अगर मैं यहाँ पे पानी डाल के क्लीन करूँगी तो नीचे वालों को प्रॉब्लम होता है। फिर मुझे याद आया कि पानी भी गर्म करना है, तो मैंने पानी गर्म कर दिया। और ये दिए जो है मेरी मम्मी हमेशा से, हम हर साल यही करते हैं कि दिया को ना ऐसे पानी में भिगो के रखते हैं 10-15 मिनट, तो मैंने भी भिगो दिया। फिर मैं बालकनी का काम कंटिन्यू कर रही हूँ, तो यहाँ पे तुलसी में मैं जो है पानी में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके तुलसी के लीव्स में देती हूँ, और वही पानी में तुलसी के नीचे मिट्टी में भी देती हूँ, और बाकी जो भी प्लांट्स हैं उनमें भी मैं अच्छे से पानी दे रही हूँ। और ये जो एक टर्टल वाइन है हैंगिंग प्लांट, इसको यहाँ पर मैं हैंग करने का कोशिश कर रही थी लेकिन ये हुआ नहीं, तो अगर मैं पॉट चेंज करके हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी तो यहाँ पर इसको हैंग करेंगे, अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए इसको भी मैंने पानी दे के साइड में रख दिया है, और जो भी बचे कुचे प्लांट्स हैं उनमें भी मैं अच्छे से पानी दे रही हूँ, और ये पानी देने का काम भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है पोछा लगाना, तो मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा लूँगी। मेरा मन तो है कि मैं यहाँ पे ना पानी अच्छे से डाल के क्लीन करूँ, लेकिन यहाँ पे पानी डाल के क्लीन करेंगे तो वो नीचे वालों के बालकनी में जाता है, फिर उनको प्रॉब्लम होता है, तो मेरा बालकनी भी जो है क्लीन हो गया है। सो फ्रेंड्स, 5 बज गए हैं और मैंने बालकनी भी थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी है। इतनी अच्छी सफाई नहीं होती हमारी बालकनी की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ से अगर मैं अच्छे से सफाई करूँगी तो ये नीचे जाता है, नीचे वाले घर वाले के बालकनी में जाता है, तो हमारा सेपरेट बालकनी नहीं है, ये हमारा रूम, ऐसे ये हमारा रूम है, तो ये थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे दूसरे नीचे वाले लोग भी छत पे जाने के लिए चलते हैं, वहाँ पे जाने के लिए चलते हैं, तो एग्जैक्टली ये हमारा सेपरेट बालकनी नहीं है, ये बस बाहर का थोड़ा सा एरिया है, तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे हैं और जितना हो सकता था मैंने क्लीन कर लिया है। मैं नहाऊंगी, पानी गर्म करने के लिए रखा है, नहाने के बाद मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और आज इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, तो शाम को शायद बाहर जाना पड़ेगा फ्लावर्स लाने के लिए, तो अभी मैं नहा के आती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और मेरे दिए जो है अच्छी तरीके से सोक हो गया है, तो इनको मैं निकालती हूँ। अब इसको सोक करने का ये रीज़न है कि जब हम दिए को सोक करने के बाद निकाल के जलाते हैं तो ये ज़्यादा ऑयल या घी अब्जॉर्ब नहीं करता है। और उसके बाद मैंने लियो को बिस्किट दिया, पार्ले जी बिस्किट। लियो को मैं डेली देती हूँ, तो आप लोग अगर कोई डॉग पेरेंट है तो बताना कि डॉग्स को बिस्किट डेली देना सही है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी 6:30 हो गया है, तो मैंने बनाई है कॉफ़ी, कॉफ़ी पी ली है मैंने, और मैं ये स्वीट्स लेके आई हूँ, लड्डू, मुझे लड्डू बहुत पसंद है और अभी दिवाली का सीज़न है तो स्वीट खाना तो बनता है। और आज ना मेरे लेग और बैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वैसे लेग में तो काफ़ी टाइम से पेन था और जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, बट आज मैंने हिम्मत करके सारा घर का काम कर लिया। और बैक पेन इसलिए क्योंकि मैं जब भी हेड वॉश करती हूँ मुझे बैक पेन होता है, हेड वॉश करती हूँ तो मैं थोड़ा बेंड करती हूँ, जब मैं बेंड करती हूँ हेड वॉश करने के लिए या फिर कभी प्लांट्स में पानी देने के लिए बेंड करती हूँ, तो जब बेंड करती हूँ तो बैक में काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है, तो आज थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है बैक, और लेग का पेन तो वैसा ही है। तो वैसे तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, जो आज दिन भर मैंने काम किया वो एक हाउसवाइफ अपने घर में रेगुलरली अपनी लाइफ में डेली ही करती है, बट ये पेन के साथ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी जो है मैं थोड़ी टाइम रेस्ट करूँगी, 7:30 को मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे बाहर जाना है, क्योंकि कल जो मैं दिवाली की शॉपिंग करने गई थी, एक ही शॉप मेरे घर के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड था और कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो फिर मैं आज हस्बैंड के साथ जाऊँगी। रात हो गई है और धनतेरस और छोटी दिवाली के दिन भी थोड़े से दिए जलाते हैं, तो मैंने डोर पे नहीं रखा, थोड़ा बाहर के साइड रखा, क्योंकि डोर पे लियो चलता है इसीलिए, और बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं, मतलब हर जगह पटाखे फोड़ रहे, तो मैं भी बाहर बैठ के देख रही थी, मुझे तो पटाखों से डर लगता है। फिर मैंने अंदर आके ये दिया पेंट किया था, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, और मेरे पास पेंट के नाम पर सिर्फ ये एक्रेलिक पेंट था पिंक और वाइट कलर का। कल मैं गई थी शॉपिंग करने, लेकिन वो शॉप इतना क्राउडेड था कि मुझे पेंट नहीं मिला, तो इसी को
मैंने पेंट कर लिया है और इसको सूखने देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 10:30 हो गया है, मैंने डिनर कर लिया है और आज का दिन भी खत्म होने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा था, दिन में तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ आज और मेरे सारे काम खत्म हो गए। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और जैसे जैसे रात हुई, मेरे बैक और मेरे लेग ने प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया। तो बैक में काफ़ी स्टिफनेस हो रहा है क्योंकि मैं हेड वॉश करते टाइम मैं बेंड हुई थी, तो जब मैं बेंड होकर हेड वॉश करती हूँ या बेंड होकर प्लांट्स पे पानी देती हूँ तो मुझे बैक में स्टिफनेस होता है, पेन होता है। तो अभी जो है मैं गर्म पानी मैंने रेडी किया है, उसमें अपने पैरों को रखूंगी 15-20 मिनट और उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी, सो जाऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको वंस अगेन हैप्पी छोटी दिवाली, और कल दिवाली है, अगर मेरी हेल्थ सही रही तो कल भी मैं व्लॉग करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।